हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विथ रितेश पर। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, डीसीईसी पैरामेडिकल 2024 का आपका जो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट है जारी हो चुका है और आप सभी को अब कॉलेजेस में रिपोर्टिंग करना है, यानी एडमिशन लेना है। तो देखिए, आपका जो एडमिशन डेट है ये है 9 to 14, मीन्स 9 to 14 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। 9 November to 14 November के बीच में आपको जाके कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो आज का जो ये वीडियो है स्टूडेंट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाइएगा तो आपका एडमिशन फ़ी क्या है, प्लस आपको हॉस्टल प्रोवाइड होगा या नहीं, हॉस्पिटल फैसिलिटी है या नहीं है, मेस फैसिलिटी है या नहीं है, प्लस आपका मंथली स्कॉलरशिप आपके क्या रहेंगे, मीन्स कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे जीएनएम कोर्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जीएनएम जो कोर्स है ये ग्रेड ए कोर्स है। जीएनएम क्या है? ग्रेड ए कोर्स है। तो फर्स्टली हम देखेंगे किसके बारे में देखेंगे, एडमिशन फी। जीएनएम कोर्स, अगर आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं कॉलेजेस में, तो आपका एडमिशन फ़ी क्या है? तो एडमिशन फ़ी जो है स्टूडेंट, इसमें आपका एडमिशन फ़ी है 10,000। 10,000 आपका क्या है? एडमिशन फ़ी है। आपको 10,000 से कम ही लगेगा स्टूडेंट, ये आप अप्रोक्स लेके चलिए कि आपको इतना फ़ी लगेगा। आपका एडमिशन चार्जेस है 10,000। नेक्स्ट है, हॉस्टल मिलता है या नहीं। आपका ये डाउट रहता है कि हम जब कॉलेज जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपको हॉस्टल मिलता है स्टूडेंट। यस, आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको है स्टूडेंट, हॉस्टल आपको मिलता है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जीएनएम कोर्स जो है ये गर्ल्स के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मिलता है सिर्फ गर्ल्स को मिलता है, बॉयज़ को जीएनएम नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड किया गया, हॉस्टल फैसिलिटी भी है यहाँ पर। और नेक्स्ट है मेस फैसिलिटी। मेस फैसिलिटी भी है स्टूडेंट। जैसे कई सारे स्टूडेंट को खुद से खाना नहीं बनाने का मन करता है, तो वो क्या करते हैं, मेस ज्वाइन करते हैं। तो आपको वहाँ पे मेस फैसिलिटी भी मिलेगा, लेकिन आपका जो मेस फैसिलिटी है उसमें आपके चार्जेस है स्टूडेंट। और आपका चार्जेस क्या है? तो आपका चार्जेस है 1900 to 3000 के बीच में आपका ये चार्जेस है, ये आपका मंथली चार्जेस है। मेस अगर आप ज्वाइन करिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अलग से आपको चार्जेस पे करना होगा, मंथली बेस्ड में इतना आपको पे करना होगा। ओके, मेस फैसिलिटी भी आपको है यहाँ पे। नेक्स्ट है मंथली स्कॉलरशिप। देखिए, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट, और ये मंथली बेस्ड होता है। तो आपको स्कॉलरशिप आपको कितना मिलेगा? तो स्कॉलरशिप आपको मिलता है 1500 से तो 2000 के बीच में आपको स्कॉलरशिप मिलता है स्टूडेंट, मंथली स्कॉलरशिप है। मीन्स आपको जो भी आपका पैसा लगता है अलग से आपका, जैसे मेस में अगर आपको पैसा लग रहा है तो आपको स्कॉलरशिप में मिल जाता है। ओके, तो ये जीएनएम ग्रेड ए कोर्स के बारे में था स्टूडेंट। एडमिशन फ़ी आपके कितने हैं? 10,000 है। हॉस्टल भी आपको मिलता है स्टूडेंट, हॉस्टल में आपको एक रूम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें 2 से 3 लड़की साथ में रहती है। नेक्स्ट है मेस फैसिलिटी भी है। मेस फैसिलिटी में आपको चार्जेस लगता है स्टूडेंट, अगर आप मेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मंथली में देना पड़ेगा, कुछ चार्जेस लगेगा। देन मंथली स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट। आपका मंथली स्कॉलरशिप है 1500 to 2000 के बीच में आपको स्कॉलरशिप लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एएनएम ग्रेड बी। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि एएनएम कोर्स जो है ये क्या है? ग्रेड बी कोर्स है। इसमें देखिए, आपका जो एडमिशन फ़ी है, आपका एडमिशन फ़ी क्या है? तो देखिए, एडमिशन फ़ी आपका है 5000 आपका क्या है? एडमिशन फ़ी है। नेक्स्ट देखिए, हॉस्टल मिलता है या नहीं। जैसे कि एएनएम जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो यहाँ पर आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है स्टूडेंट। यस, आपको हॉस्टल मिलता है, जैसे कि एक रूम आपको मिलेगा जिसमें 2 से 3 लड़की साथ में रहती है। नेक्स्ट है मेस फैसिलिटी। मेस फैसिलिटी भी है स्टूडेंट यहाँ पे, इसमें भी आपको अलग से चार्जेस लगता है, लेकिन इसमें देखिए आपको जो चार्जेस है ये आपका है, चार्जेस है 2000 to 2500। ओके, 2000 to 2500 के बीच में आपका चार्जेस है। आपका इस एएनएम में कम है स्टूडेंट,
यहाँ पे आपको 2000 से तो आपको 2500 के बीच में आपका चार्जेस है आपको लगता है। ओके, ये एएनएम के बारे में स्टूडेंट, एएनएम के बारे में आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट देखिए मंथली स्कॉलरशिप, मंथली स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड किया जाता है इसमें। और आपका जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है 1200 to 2000, 1200 to 2000। इसमें आपको जो एडमिशन फी है स्टूडेंट यह है 5000। हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल तो प्रोवाइड किया ही जाता है। और इसमें आपको मेस फैसिलिटी भी है, मेस फैसिलिटी का आपको जो चार्जेस है 2000 to 2500, 2000 से तो 2500 के बीच में आपका चार्जेस लगता है। और यहाँ पर आपको मंथली स्कॉलरशिप भी मिलता है स्टूडेंट, और जो स्कॉलरशिप है ये आपको 1200 से लेके 2000 के बीच में आपको स्कॉलरशिप मिलता है। एएनएम के बारे में आपको बता रही हूँ स्टूडेंट। और अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अदर कोर्सेज। अदर कोर्सेज जैसे कि आपका हो गया फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी, असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब क्या है अदर कोर्सेज है। और इसमें ज़्यादा करके बॉयज़ एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट। तो इसमें देखिए आपके चार्जेस क्या है, एडमिशन फ़ी क्या है आपका। तो इसमें आपका जो एडमिशन फ़ी है स्टूडेंट ये आपका है 3000 आपका एडमिशन फ़ी है इस कोर्स के लिए। आपको क्या है आपका जो एडमिशन फ़ी है 3000 है। कोई भी कोर्स जैसे फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी, असिस्टेंट, रेडियोलॉजी, इसके लिए आपका क्या है फ़ी है 3000। हॉस्टल मिलता है या नहीं देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा करके बॉयज़ इसमें एडमिशन लेते हैं तो अदर कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता है स्टूडेंट। लेकिन आपका यहाँ पे फार्मेसी में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको हॉस्टल फैसिलिटी है स्टूडेंट। बट लेकिन अगर आप लैब टेक्नीशियन, ओटी, असिस्टेंट्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा स्टूडेंट, आपको रूम लेके रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेस फैसिलिटी। देखिए यहाँ पर आपको मेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है अदर कोर्सेज के लिए, मेस फैसिलिटी भी है यहाँ पे। और आपका जो मंथली स्कॉलरशिप है स्टूडेंट, मंथली स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ईयरली स्कॉलरशिप मिलता है। ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेस लेते हैं, तो उसमें आपको ईयरली बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगा या तो आपको 6 मंथ करके आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पर आपको ईयरली बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिलता है स्टूडेंट। ओके, ये आपका अदर कोर्सेज फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी, असिस्टेंट या रेडियोलॉजी, इसके बारे में स्टूडेंट आपको जो एडमिशन फ़ी है 3000 लगता है। हॉस्टल आपको नहीं मिलता है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी के लिए हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी रहेगा। नेक्स्ट है मेस फैसिलिटी, तो मेस फैसिलिटी भी आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको मंथली बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलता है स्टूडेंट, ईयरली बेस्ड या 6 मंथ पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर आप और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आप देखिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि studywithritesh.com पर विजिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए यह हमारा वेबसाइट है स्टूडेंट, यहाँ पर आप विजिट करिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप 2025 का प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच भी परचेस कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको हमारा बैच का भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रिसेंट अपडेट्स में जाइएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए बिहार पैरामेडिकल 2024 का मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट या जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या जिससे भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं BCEC का ऑफिशियल वेबसाइट भी है, यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसी रीड करिएगा स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए आपका जो भी क्वेश्चंस है, आपका जो भी क्वेश्चंस है ये आपका यहाँ पे सारा कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आपको जो भी इंक्वायरी है आपका सारा इंक्वायरी यहाँ से आंसर भी मिल जाएगा आपका इंक्वायरी का। आप यहाँ पे एक बार विजिट करिए, आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है studywithritesh.com। थैंक यू।